सिल्ली में मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने कोरोना संक्रमण के दौरान अच्छे काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और सहियाओं को किया सम्मानित। सिल्ली सामुदायिक अस्पताल सभागार में शनिवार को आयोजित विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी रजनी नीलम टोप्पो की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि विधायक सुदेश कुमार महतो, बीडीओ उदय कुमार, सीओ राकेश भूषण सिंह की उपस्थिति में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सुदेश कुमार महतो ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या आज देश के लिए चिंता का विषय है। देश विकास करे एवं इसका लाभ सबको मिले, इसके लिए आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। वहीं उन्होंने 11 से 10 अगस्त तक जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े के दौरान ANM, सहिया, स्वास्थ्य कर्मियों को परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के लिए लोगों को जागरूक करने तथा जन जन को छोटे परिवार के महत्व की जानकारी देने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कोरोना संक्रमण में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए सभी डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देते हुए सिल्ली के जनता की ओर से आभार जताया। कार्यक्रम के प्रारंभ में चिकित्सा प्रभारी ने जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े के महत्व की चर्चा करते हुए इसके तहत किए जाने वाले कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के ANM प्रियंका कुमारी, कौशल्या कुमारी, सहिया मालती राय एवं विभा देवी को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए अतिथियों के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में सिल्ली बीडीओ उदय कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया, आगंतुकों का आभार जताया। सोना न्यूज सिल्ली से तारकेश्वर महतो की रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या दिवस है, इसमें हम लोग परिवार कल्याण पखवाड़ा बना रहे हैं। इसमें परिवार कल्याण पखवाड़ा में पहले तो हम लोग सर्वे किए हैं योग्य दंपति का कि किसको क्या चाहिए, मैंने तुरंत बच्चा नहीं रहने के लिए किसको क्या चाहिए। तो अगर शादी के पहले साल तक नहीं चाहिए, उसके लिए अलग विधि है। पहला बच्चा के बाद दूसरा बच्चा करने में क्या विधि है वो चाहिए, फिर दूसरा के बाद में क्या है वो चाहिए। तो एक हम लोग का स्थाई विधि है, एक अस्थाई विधि है। तो जिसका दो शक बच्चा रहता है उसके लिए अस्थाई विधि है, जिसमें हम लोग IUCD डालते हैं। IUCD इंजेक्शन है, गोली है और पुरुष लोग कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थाई विधि है, इसमें महिला बंध्याकरण होता है और पुरुष का पुरुष किया जा रहा है। इसमें अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिसका कि महिला। कब तक चलेगा ये 10 अगस्त तक चलेगा। 10 अगस्त तक। तो ये जो भी इलाज अभी कराने आएंगे वो जनसंख्या को लेके, वो सब फ्री में होंगे? ये सब फ्री में है, ऊपर से हम लोग इनको पैसा भी देंगे, कंपनसेशन का पैसा देते हैं, 1400 रुपया देते हैं। जो आने जाने का पैसा है भाड़ा 500 रुपया देते हैं, 1900 रुपया टोटल। और जो NSV कराते हैं उनको 2200 रुपया दिया जाता है, प्लस 500 रुपये। आज जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग हॉस्पिटल में क्या प्रोग्राम रखे? प्रोग्राम है बहुत, 6-7 बंध्याकरण की महिला आई हुई है, बहुत सारी गोली लेने के लिए आई हुई, इंजेक्शन लेने के लिए आई है और नसबंदी का केस भी है। क्या नाम है? डॉक्टर रजनी नीलम, MOICC, CSS। ठीक।